आदर और सम्मान के योग्य हो। सेक्टर 6 आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं माननीय मातृशक्ति के, आज मैं आप लोगों के बीच में अपने को पाया हूँ। मैं परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। एक दूसरे के नज़दीक तभी आते हैं जब भी कोई आंतरिक अट्रैक्शन या आंतरिक प्रभाव, आंतरिक मेल होता है, तभी एक दूसरे के नज़दीक पहुँचते हैं। उसी आधार पर मैं तो अपने मामा जी कहता हूँ, हमारे भाई गंगा शरण जी के आप मामा हैं, तो गंगा शरण जी मेरे दोस्त हैं, बहुत पहले से ही, आज 30 वर्षों से उनसे दोस्ती है मेरी और मैं इनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ लगभग 30 वर्षों से। आपके समाज में भी कई सदस्य हैं जो मेरे बहुत निकट के, नज़दीक के संपर्क और संबंध के हैं। आपके आचार्य जी जैसे लोगों को हमने बहुत नज़दीक से जाना, देखा, परखा और तैयार करने में भी हमारे लोगों के सहयोग रहे हैं। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में करूं कि आप लोगों ने यह जो काम देवीलाल पार्क में रखा है, कि जिस पार्क में सुबह सवेरे लोग टहलने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आते हैं, लोगों का उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा है, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुबह सवेरे टहलना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक समझा है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति से हमने पाया, देखा, जाना और परखा, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दिया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम, सारे लोग जानते हैं कि यज्ञ से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं दुनिया में जिसको किया जाए। शब्द पर फिर ध्यान देंगे जरा, थोड़े से आगे आगे। और मेरे ख्याल से ये आपके जो उधर पड़ोस में लोग लगाए हुए हैं, वहाँ पर भी चर्चा स्वास्थ्य की हो रही है। मैं अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप लोगों को ये श्रेय देना चाहता हूँ कि लोगों ने जिस काम को छोड़ा है, उसी काम को आप लोगों ने उजागर किया है। इसलिए आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, उतना ही कम और थोड़ा है। फिर शब्द पर ध्यान देना कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सबसे अच्छा काम क्या है? यज्ञ करना। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं दुनिया में जिसको किया जाए। तो क्या इन अच्छे कामों में स्वास्थ्य लाभ का है कुछ कि नहीं? जब इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम ही नहीं बताया ऋषियों ने, तो इस कार्य में स्वास्थ्य लाभ की कुछ बातें हैं या नहीं? ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है और मैं भी दावा के साथ कह रहा हूँ, और मैं सिर्फ नहीं कहता, अभी तो आप सारे लोग कहते हैं इस बात को। क्या कहते हैं? कि लाभकारी हो हमन हर प्राणधारी के लिए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जरा संकेत दीजिए मुझे। हाँ, करते हैं। जो यज्ञ प्रार्थना हम और आप बोलते हैं, उसी प्रार्थना का ही ये भाग है। क्या है, क्या बताया जा रहा है? लाभकारी हो हवन हर
प्राणधारी के लिए तो हवन करने का सौभाग्य तो हम इंसान को ही प्राप्त हुआ है, और किसी प्राणी को तो हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं। अब हर हवन करने वाले, हर यज्ञ करने वाले क्या हो कि लाभकारी हो। जो प्राणधारी हैं उन प्राणधारी के लिए ये कर्तव्य बन गया है कि ऋषि मुनियों ने हमें ये उपदेश दिया है कि इससे बढ़ कर के और कोई अच्छा काम नहीं। अगर अपने स्वास्थ्य के लाभ चाहते हो, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि में अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्या करो कि यज्ञ रचाओ। तो जब यज्ञ रचाने से, यज्ञ करने से स्वास्थ्य की लाभ हो जाती है तो फिर क्या घूमना पहले होगा या यज्ञ करना पहले होगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, और हमें बात भी ऐसी पते की करनी चाहिए जो ऋषि मुनियों का मंतव्य, ये मत समझिएगा कि ऋषि दयानंद ने ही अपने मन से कुछ बातों को रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार है, जो उद्गार है, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूँ। और लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में ये नहीं है कि मैं अपनी मनमानी बातों को चलाऊं, क्या कोई धर्म की स्थापना करूं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? तो ऋषि उसको भी खोलते हैं कि अगर कोई मत चलाना होता तो इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता, लेकिन मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता हूँ। तो उचित क्या समझा कि ऋषि मुनियों के चलाए हुए परंपरा अर्थात ब्रह्मा से लेकर के, ऋषि दयानंद ने उस नाम को भी खोला, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूँ। अब एक एक करके मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बतला रहा हूँ, इसमें देख लीजिएगा जोड़ करके सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई को जाने बिना मनुष्य जीवन का सफल बनाना संभव ही नहीं है। इसलिए यहां मैं शब्द लिया हूं लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी, यानी वो प्राणधारी लाभकारी हो या हो सकता है क्या करे, जो यज्ञ करे। अब यज्ञ करने के लिए हम लाभकारी कैसे हो सकते हैं, एक एक करके मैं कुछ, यद्यपि ये बताया जाना संभव नहीं है, एक जन्म में नहीं कई जन्मों जन्मांतरों तक बताता रहूँगा, फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने जो हमें तरीका दिया है, ऋषि मुनियों ने जो पद्धति हमें दी है उसको केवल कहने की बात नहीं है, उस पर आचरण करने का काम है, अपने जीवन में उतारने का काम है। अगर हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो ये केवल सुनने और सुनाने की बात रह जाएगी। एक एक करके ध्यान दें कि शब्द ऋषि मुनियों ने क्या क्या संजो करके आप लोगों के सामने रखा है, दिया है कि इस काम को करने के लिए सौभाग्य हमें छोड़ करके औरों को, किसी को, किसी प्राणी को प्राप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य कहलाने के लिए केवल कहलाने वाली शब्द नहीं है मनुष्य, मनुष्य का दायित्व है, कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन जब तक मनुष्य नहीं करेगा वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी। तो सबसे पहली बात ये है कि परमपिता परमात्मा ने हमें अपने कर्मों के अनुसार मानव योनि में हमें भेजे हैं, और मानव योनि में आ करके हम उस सच्चाई को नहीं जान पाए, सच्चाई को नहीं समझ पाए, उस सच्चाई पे अमल हमने नहीं किया, उस सच्चाई के आधार पर अपने जीवन को हमने तैयार नहीं की, तो बतलाइए मनुष्य कहलाने के अधिकारी हम बन जाएंगे क्या? बिल्कुल स्वाभाविक बात है।
जो कर्तव्य बतलाया है उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि हम मनुष्य कहलाते हैं तो मनुष्य कहलाने के लिए हमने संतान किसका माना अपने को? अब हमने संतान माना परमात्मा का, ये भी दोहराते हम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। शायद बहादुरगढ़ वाले नहीं बोलते। अब जब परमात्मा के संतान हमने अपने को बता दिया तो परमात्मा का संतान होने के कारण पिता के गुणों को धारण करना चाहिए या नहीं चाहिए? बंधु जरा जिम्मेदारी के साथ बोलना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चाहिए। अगर पिता के गुणों को हमने धारण नहीं किया, पिता के गुणों को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो पिता के पुत्र कहलाने के अधिकारी हम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो पिता में गुण क्या है? पिता 24 घंटा यज्ञ कर रहे हैं। पिता क्या कर रहे हैं? 24 घंटे यज्ञ कर रहे हैं। पिता का यज्ञ 24 घंटा चल रहा है, यानी परोपकार परमात्मा का जो परोपकार है, परमात्मा के जो किए हुए एहसान है, परमात्मा जो के किए हुए जो उपकार है, किनके लिए? केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है अपितु प्राणी मात्र के लिए। तो प्राणी मात्र के लिए जब परमात्मा का यज्ञ चल रहा है और हम उसी के ही संतान हैं तो बतलाइए ये यज्ञ कार्य करना हमारे लिए फर्ज बना या नहीं बना, यानी कर्तव्य बना या नहीं बना? लेकिन उन कर्तव्यों को हमने तो जाना ही नहीं, उन कर्तव्यों को हमने समझने का प्रयास नहीं किया, उन कर्तव्यों के नजदीक हम नहीं आ पाए। हमारे मंत्री जी प्रधान जी लोगों को दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं यज्ञ के लिए कि आइए हम सब मिलकर के यज्ञ करें। मैंने अपने मामा जी को भी देखा, वो पूरे सड़क में वहाँ तक हालांकि ढूंढ तो रहे थे मुझे ही, लेकिन फिर भी जहाँ जो मिल रहे थे सबको बता रहे थे कि भाई चलो वहाँ यज्ञ हो रहा है। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि जिस पिता के हम संतान हैं उन पिता के गुणों को हमें धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जब पिता के गुणों को धारण हमें करना चाहिए, अगर पिता के गुणों को हमने धारण नहीं किया तो क्या होगा? हम दुनिया में भी देखते हैं, लोकाचार में भी देखते हैं, जब पिता के अनुयायी पुत्र नहीं बनता है तो पिता क्या करते हैं? अपने संपत्ति से बेदखल करते। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसीलिए तो परमात्मा ने भी उपदेश दिया ना वेद में, कह रहे हमें क्या देखना चाहते हो? पश्य काव्य, मुझे देखो मत, मेरे काव्य को देखो। तो काव्य को देखने से उस कार्य करने वाले का पता लग जाता है। अब यहाँ पहली बात यह आ गई कि हम परमात्मा के संतान हैं तो परमात्मा के संतान होने के नाते परमात्मा के गुणों को हमें धारण करना है। तो परमात्मा में गुण क्या है? सबसे पहला गुण परमात्मा में ये है कि वो यज्ञ कर रहे हैं, उनका परोपकार चल रहा है, तो उनके परोपकारों में से ये परोपकार भी हमारे लिए कर्तव्य बना। तब ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है तो जो हम घूमते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्या यज्ञ करने से भी स्वास्थ्य लाभ है? क्या यज्ञ करने से भी स्वास्थ्य का लाभ हम कर सकते हैं? हम लाभान्वित हो सकते हैं अपने शरीर के लिए भी? तो यहाँ समाधान क्या आ रहा है देखिएगा, यहाँ समाधान भी ऋषि मुनियों ने कहा बतलाया है कि आप यज्ञ करोगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा। बोले यज्ञ करने से स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा? जब हम घूम करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो यहाँ बैठे बैठे स्वास्थ्य लाभ कैसे हो जाएगा? यहाँ शरीर चर्चा तो है नहीं,
हम टहलेंगे नहीं, घूमे फिरेंगे नहीं तो हमारा हाथ पांव चल भी नहीं रहा है, तो फिर स्वास्थ्य लाभ हमारा कैसे हो जाए? तो ऋषियों का समाधान क्या है, कितना सुंदर है, जरा देख लीजिएगा। ऋषियों का कहना यह है कि इस यज्ञ के करने से स्वास्थ्य लाभ तुम्हारा कैसा हो रहा है, तुम्हें उसकी आभास जानकारी नहीं है। नहीं है, बोले कैसा? बोले उसमें घी सामग्री समिदा आदि जो पौष्टिक पदार्थ डाला जाता है, उससे जो श्वास प्रश्वास तुम ले रहे हो, इसी से ही तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। बोले केवल यहाँ स्वास्थ्य लाभ नहीं, जो लोग घूम रहे हैं वो केवल अपने स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं अपने लिए ही, तो जो हमारे यहाँ की मान्यता है जो अपने लिए करता है वो स्वार्थी है। देखिए यहाँ पर शब्द एक और आ गया, वेद का ही कहना है केवलादो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो क्या करता है? बोले पाप खाता है। तो जो अकेला अपने लिए करता है तो वो स्वार्थी कहलाता है, लेकिन आप अकेले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए करते होते तो किसी ये टाइट कमरे के अंदर में ही बैठ करके करते, लेकिन नहीं, आप खुले वातावरण में कर रहे हैं। क्या या जो जैसे पुनीत कार्य खुले वातावरण में इसलिए कर रहे हैं कि ये वायु केवल हमारे तक ही सीमित ना रहे, अपितु ये वायु जहाँ जहाँ पहुंचे उन प्राणी को भी लाभ पहुंचा। यहाँ केवल मनुष्य के लिए बात नहीं है, प्राणी मात्र के लिए बात आ गई। तो प्राणी मात्र के लिए बात आ गई, यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु प्राणी मात्र को। अब प्राणी मात्र को लाभ कैसा हो रहा देखिएगा, ये जो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हमारे माननीय शास्त्री जी ने मंत्र का उच्चारण किया और घी सामग्री समिदा आदि आप सब लोग मिलकर के डाल रहे थे और बार बार ये दोहरा भी रहे थे उस मंत्र को, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है? क्या है? परमपिता परमात्मा हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है कि ये मेरा नहीं है, नहीं है, ये मेरा नहीं है। लेकिन लोग तो सब कुछ आपको ये कहेगा। अब आप अपने हुड्डा जी से ही पूछिए, अब तो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है आपका, अब सारे लोग लगे हुए उसमें, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा नहीं है, सब कहेगा ये मेरा ही है। और इसी मेरा मेरा के भावना को त्याग करने के लिए, अपने लिए नहीं है, सब के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के भलाई के लिए है, प्राणी मात्र तक इन चीज़ों को पहुंचाना है। किन चीज़ों को? जो पौष्टिक पदार्थ आदि आपने डाले हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि जो ये घी सामग्री समिदा आदि जो यजकुंड में डाला गया है, अगर उसी यजकुंड में एक लाल मिर्च डाल दिया जाता तो क्या होता? अरे यहाँ से तो आप भागते ही भागते, वो पड़ोसी भी यही कहते कि मन्ना मालूम मंत्री जी और प्रधान जी के दिमाग में आज कौन सी फुतूर की बात है, देखो इतना शुद्ध वातावरण को खराब कर रहे हैं। ये बोलते कि नहीं बोलते भाई? तो लाल मिर्च डालने से अग्नि ने अपना गुण बदला क्या? नहीं। अग्नि का गुण बदल गया? नहीं। अग्नि का जो गुण है जलाने का, शब्द पर ध्यान देना। और आज दुनिया में जितने भी ये मत मतांतर हैं, खासतौर से तो मामा जी साहब सुन ही रहे थे, और मैं अपना कुछ जो मेरी पुस्तक है सीडी है मैं कुछ लाया हूँ वो भी पहुँचाऊँगा आप तक। तो मैंने निवेदन किया, यहाँ देखिएगा, सारे दुनिया में मानव कहलाकर, आश्चर्य की बात तो ये है कि अपने को मानव कहला रहे हैं और मानव का कर्तव्य क्या है उस कर्तव्य को वो जाना नहीं। तो कर्तव्य को बिना जाने कोई मानव कहलाएगा तो मानव कहलाना उसका उचित होगा क्या? नहीं। बिल्कुल स्वाभाविक सीधी सी बात है। तो अग्नि ने अपने गुण को नहीं छोड़ा। अग्नि का गुण क्या है? जलाना, जलाना, गर्मी देना, उष्णता,
ये अग्नि का धर्म है। देखिए अभी मामा जी भी कह रहे थे मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ। मैं भी, मेरा जो पहला शब्द था वो यही था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि धर्म का बदला जाना संभव ही नहीं है। मैं समाज बदल रहा हूँ। ये समाज अनपढ़ लोगों की समाज है, अंधविश्वासियों की समाज है, मैं आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की समाज में जा रहा हूँ, ये शब्द थे मेरे। तो मैंने निवेदन किया कि अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, गर्मी देना, उष्णता देना। क्या उस मिर्च के डालने से अग्नि ने अपना धर्म छोड़ा? तो जब उष्णता देना, गर्मी देना, केवल इतना ही नहीं, अग्नि में एक गुण और है जिस गुण को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अग्नि में एक गुण और है कि अपने अंदर में सामान को समेटते हुए उस सामानों का सूक्ष्मीकरण करना। समझ में आ रही है बात? वैसे मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। और आपके राजपाल जी को जानते हैं ना? राजपाल जी हमारे पुराने साथी हैं, मैं तो दाढ़ी लेकर के उनके साथ आया था। वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में उन दिनों में अधिष्ठाता रहे, स्वामी शक्तिवीर जी के काल में, तभी मैं आया था 83। तो मैंने निवेदन क्या, देखेंगे जरा। मैंने कहा और बतलाया कि अग्नि के अंदर में वो गुण है कि जो सामान आप डालेंगे उस सामानों को अपने अंदर में समेटते हुए उसका सूक्ष्मीकरण करके वो वायुमंडल में बांटती। अब जो पौष्टिक पदार्थ आपने अग्नि में डाले हैं, घी, घी तो सबसे ज्यादा पौष्टिक पदार्थ है। तो लोगों का ख्याल और विचार आने नहीं आ रही है समाजों के दिमाग में, फूतुर है, घी तो हमें खाने को नहीं मिल रहा है, अग्नि में डाल रहे, ये जला रहे उसे। लेकिन बंधु मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, अग्नि में ही डालने वाला सामान का नाम ही घी होता है। घी को अंग्रेजी में आप ढूंढिए, घी को नहीं पाएंगे, नहीं है अंग्रेजी में घी नहीं पाएंगे। मैं यूरोप कंट्री में, बहुत से देशों में मैंने लोगों से खबर ली है, चाहे वो हॉलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, इन सब देशों में जा कर के भी लोगों से पता किया है, लोगों के पास इसका जवाब ही नहीं है। अब घी को जब हम अंग्रेजी में ढूंढते हैं तो वहाँ पर घी शब्द भी आता है थ्रोइंग फायर के नाम से। थ्रोइंग फायर के माने क्या होता है? अग्नि में निक्षेप करना, अग्नि में डालना। जिसको अग्नि में डाला जावे उस पदार्थ का नाम क्या है? थ्रोइंग फायर। और उसके अग्नि को उग्र बनाने के लिए, जैसा हम घी खाते हैं तो घी खाने से भी हमारे अंदर में भी तो जठरग्नि है, उस जठरग्नि को शांत करने के लिए, उस जठरग्नि को उत्तृप्त करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं कि वो घी जो पदार्थ तुमने उस अग्नि में डाले हैं, अग्नि के अंदर में ये गुण है कि उस पदार्थ को सूक्ष्मीकरण करते हुए अपने अंदर में समेट कर वह वायुमंडल में बांटती है। अच्छा, केवल इतना नहीं बंधु, एक शब्द इसमें और मैं जोड़ रहा हूँ, देखना जरा, कि लाल मिर्च को अग्नि में डालने से ही खांसी उठी, लेकिन हम दोनों जेब में लिए भर करके बैठे रहेंगे तो दूसरे को पता लगेगा क्या? नहीं, दोनों जेब भर करके हम मिर्च डाले बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे को पता नहीं लगेगा। लेकिन अग्नि में जहां तक आपने डाला उस मिर्च को, तो लोगों को, नजदीक वाले को नहीं, दूर दूर तक के लोगों को भी पता लग जाना है कि कहीं पर मिर्च जलाया जा रहा है। सत्य है या नहीं है? तो ऋषि मुनि यही कह रहे हैं कि अपने अंदर में अपने को स्वास्थ्य रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए, अपने को सही और सुचारू रूप से चलने चलाने के लिए तुम्हें क्या करना है? वो अग्नि को प्रज्वलित करते हुए उसमें इन पौष्टिक पदार्थ को डालना है।
तो फिर लोगों के सवाल आएंगे कि साहब ठीक है अग्नि को प्रज्वलित करते उसमें पौष्टिक पदार्थ आदि डाले हैं, लेकिन वेद मंत्र की क्या आवश्यकता है। देखिए यहाँ ऋषियों ने कितना सुंदर सुंदर समाधान आप लोगों को दिया है, लेकिन इसको मैं बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि यह सारा उपदेश हमारे लिए है, लेकिन हमने उसको जानने का प्रयास नहीं किया। ये बदकिस्मती है कि सारा उपदेश हमारे लिए है। क्या पशु पक्षियों के लिए उपदेश है परमात्मा का? पशु पक्षियों के लिए परमात्मा का उपदेश नहीं है, परमात्मा का सारा उपदेश मनुष्य मात्र के लिए है। और मनुष्यों में परमात्मा के पास भेदभाव भी नहीं है। परमात्मा ने ये कहीं भी नहीं बोला, कहीं भी उपदेश नहीं आया, कहीं भी ऋषियों ने नहीं कहा कि परमात्मा का ये दिया हुआ उपदेश केवल और केवल आर्य समाजियों के लिए, सनातनियों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, जैनियों के लिए है, बौद्धिस्टों के लिए है, किसी का भी नाम नहीं आया। अर्थात परमात्मा का उपदेश को जो अपने जिंदगी में उतारेगा, जो उस पर अमल करेगा, उसके लिए लाओ। तो इससे ये साफ जाहिर हुआ, साफ पता लगा कि वेद मंत्र के जो वेद, वेद के माने मंत्र होता है, मंत्र के माने विचार होते हैं, और वेद के माने ज्ञान होता है। तो ज्ञान परमात्मा का है, उसमें जो विचार दिए गए हैं वो विचार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। लेकिन मनुष्य मात्र के लिए विचार होने के बावजूद अगर जो मनुष्य कहला करके उस विचार को ना ले, उस उपदेश को ना ले, परमात्मा के दिए उपदेशों पर ना चले, परमात्मा के दिए उपदेशों को आत्मसात न करे, तो बतलाइए वो इंसान कहलाने के हकदार बन रहे हैं क्या? नहीं। बात यहाँ है, तो इंसान कहलाने के आप अधिकारी बने ही नहीं, और फिर भी आप इंसान कह रहे हैं अपने को। ये दो हाथ, दो पांव, आंख, कान, नाक रखने का नाम इंसान नहीं है। इंसान एक कर्तव्य का पालन करने वाले का ही नाम इंसान होगा। तो जब कर्तव्य हमारे लिए दर्शा दिया गया, कर्तव्य हमें बता दिया गया, कर्तव्य हमें सिखाया गया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो जब हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान कहलाने के हकदार कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे? इस पर आज मानव कहलाने वाले मानव समाज में विचार नहीं कर रहे। अभी तो इन लोगों ने विचार किस पर किया? इन लोगों ने विचार इस पर किया कि मेहनत करने ना पड़े, जिसमें मेहनत लगे ही ना और फायदा मिल जाए, वो तरीका ढूंढा। तो भाई मेहनत किए बिना फायदा मिलना संभव है? आ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं विनती कर रहा हूँ आप लोगों से, मेहनत किए बिना किसी को फल मिलना संभव है? यानी फल को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो काम किए बिना आप फल की उम्मीद रखेंगे, फल की आशा चाहेंगे, आशा रखेंगे, तो क्या फल का मिलना संभव है? नहीं। लेकिन यहाँ मत मतांतर वाले कह रहे हैं हाँ तुम्हें बिना कर्म किए भी फल मिल जाएंगे। कुरान वालों की मान्यता है इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। अच्छा बेहिसाब किसी को रोजी देना यह न्याय होगा या अन्याय होगा? बंद हो जरा जल्दी बतलाना। और हमारे वेद में आया है कि नहीं, तुम जितना रोजी वाला काम करोगे तभी तुम्हें उतना रोजी मिलना है, उससे न कम मिलना है और न ज्यादा। बोले क्यों? बोले कम मिले तो भी परमात्मा दोषी और ज्यादा मिले तो भी परमात्मा दोषी। इसका मतलब यहाँ पर यह भी आ गया कि उन लोगों को परमात्मा के बारे में भी जानकारी नहीं है। वो खामखा कह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
अब ये जो चाइना वाला आया था गुजरात में, दिल्ली भी घूम करके गया है, उन दिनों से ये भजन गाए जा रहे हैं और उस दिन से ही मैं लिखना शुरू कर दिया। हालत तो लिखता तो मैं बहुत पहले से हूँ, और उसमें केवल लिखा यानी मैं दर्शा दिया कि ये अल्लाह है, ये परमात्मा है, तो दोनों में गुण अलग है, तो दोनों में गुण अलग होने के बावजूद भी दोनों का एक होना संभव होगा? नहीं। अब मैं एक ही प्रमाण दिया हूँ, दोनों में गुण क्या अलग है कि हमारे परमात्मा अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं, रोजी देते हैं, लेकिन कुरान का अल्लाह बिना कर्म किए भी रोजी दे देते हैं। तो जब दोनों में अंतर हम पा रहे हैं, भेद हमें दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी हम ये कह दें कि दोनों एक है, तो बताइए इससे बड़ा पागलपन और है कुछ दुनिया में? केवल इतना ही नहीं, एक मैं और बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ परमात्मा का उपदेश है अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ, शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है। तो खैर वो अलग विषय हो जाएगा, बारंबार का पुनर्जन्म वाला आ जाएगा, वो कहेंगे हम तो नहीं मानते। लेकिन मैं कुरान से भी चार प्रमाण दिया हूँ। अभी पिछले दिन अमेरिका का एक शोधकर्ता ने नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए कह दिया था, ये अगले जन्म में सर सैयद अहमद खान थे, और वो कैसा झूठ है उसको मैं सारा प्रमाण दे करके लिखा कि सर सैयद अहमद खान अगर थे, तुम बतला रहे हो, तो पहले तुमसे सवाल यह है, जबकि सर सैयद अहमद खान ऋषि दयानंद के अनन्य भक्तों में से थे, जो आर्य समाज के इतिहास को पढ़े हैं उनको मालूम है, सर सैयद अहमद खान ऋषि दयानंद के साथ उनकी बहुत नज़दीकी थी, और वर्तमान समय में जो कुरान का अनुवाद किया हुआ है, सर सैयद अहमद खान ऋषि दयानंद के प्रभाव में आकर के इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने अलग ढंग से अनुवाद करने का प्रयास किया था। तो 30 सिपारा में से 18 सिपारा का अनुवाद उन्होंने किया था, लेकिन मुसलमानों ने प्रेस में ले जाने तक नहीं दिया। उस प्रकरण को भी मैं छोड़ा, मैंने कहा उसे भी मैं छोड़ता हूँ कि अगर सर सैयद अहमद खान नरेंद्र भाई मोदी के रूप में जन्म लिए हैं, ये शोधकर्ता अमरीका वाले ये कह रहे हैं, तो उनसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि सर सैयद अहमद खान मांसाहारी थे, तो मांसाहार करने से कुछ पाप होता है या पुण्य होता है? तो मांसाहार करने से पाप होता है, तो पाप होता है, उस पाप का सजा को भुगतना पड़ता है या नहीं? अगर पाप के सजा को भुगतना पड़ता तो तुम पहले ये बताओ कि सर सैयद अहमद खान किन किन सजा को भुगतने के बाद नरेंद्र भाई मोदी के पिता के गर्भ में आए, यानी आत्मा की स्थापना माँ के उदर में होने से पहले पिता के ही उदर में आत्मा की स्थापना होती है, ये वैदिक मान्यता है, और पिता के द्वारा ही माँ के पास ट्रांसफर होता है। तो जब सर सैयद अहमद खान एक मांसाहारी थे, वो कौन कौन सा पाप के कर्मों को भोगा? पहले तो भोग होगा, उसके बाद ना जन्म होगा भाई, भोग के बिना जन्म पहले कैसे हो जाएगा? वो क्या क्या भोगे हैं जरा उसको बता दो। अच्छा उससे भी मैं अगर छोड़ देता हूँ, सर सैयद अहमद खान अगर जन्म लिए हैं, तो पहले ये बताओ कि मरने के कितने दिन बाद वो नरेंद्र भाई मोदी के पिता के उदर में आए, उसे भी मैं छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हारी मान्यता ये है कि ये वर्तमान नरेंद्र भाई मोदी एक कट्टर मुसलमान थे पहले जन्म में, सर सैयद अहमद खान इनका नाम था, तो ये जब जन्म लिए तो एक वर्ष के जब थे, 15 अगस्त को शाम को 5:59 में क्या कर रहे थे उसका बाप भी नहीं बता पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि दयानंद कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के नवा समुद्र बोल करके देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिस परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है, उसी परमात्मा को खड़ा करके आज दुनिया के लोगों के सामने ये बताया जा रहा है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, एक है।
तो बतलाइए ये सिद्धांत का गला घोटा जा रहा है या सिद्धांत का प्रचार हो रहा है? सत्य का गला घोटा जा रहा है या सत्य का उजागर किया जा रहा है? केवल इतना ही नहीं, कुरान कहता है वा तुइज्जु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं सब पर कादिर हूँ, कुदरत रखने वाला हूँ, अधिकारी हूँ। अच्छा, किसी सम्मान पाने वाला को असम्मानित करे तो बतलाइए ये दोष है या गुण है? अरे जैसा उदाहरण के रूप में देखिएगा कि आप सब लोग नीचे बैठे और मेरे लिए आपने ऊपर आसन लगाया, तो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया या असम्मानित? सम्मानित किया। सम्मानित किया, और सम्मानित क्यों किया? कि कर्मों के अनुसार वो सम्मान के लायक है, इसीलिए सम्मान किया गया। अब उसी सम्मानित व्यक्ति को अगर कोई असम्मान करे तो क्या ये सही है या गलत है? गलत। अब मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अब इस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि सही क्या और गलत क्या है, लेकिन दुनिया वालों ने मानव कहला करके भी सही और गलत का निर्णय नहीं। अगर ये सही और गलत का निर्णय ले लेते होते तो आज धरती पर वेद के सिवा दूसरा कोई सिद्धांत नहीं आ पाता। सबने मिलकर के वेद का गला घोटा है। तो मैंने निवेदन किया कि आज जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो जा कर के देखें यूट्यूब में, youtube.com महेंद्र चैनल महेंद्रपाल आर्य लिखिए तो आप सब पा जाएंगे। वहाँ पर 100-150 मेरे CD DVD लगे हुए हैं, जिसमें डिबेट के भी कुछ हैं, कई डिबेट मेरे हुए हैं इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों से, वो भी लगे हैं। महेंद्रपालआर्य.com मेरा साइट है, वैदिकज्ञान.in मेरा साइट है। उन दोनों साइटों में मैं हज़ारों आर्टिकल आप पा जाएंगे इसी सिद्धांत के बेस। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब परमपिता परमात्मा ने सारा उपदेश अपने संतानों को दे चुके हैं, तो जब संतानों को दे चुके हैं तो उनके संतानों को उनके उपदेशों पर अमल करना चाहिए या उसके खिलाफ चलना चाहिए, उसके विपरीत चलना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो पिता ने जो उपदेश हमें दिया है, पिता ने जो उपदेश हमारे लिए दिया है, उन्हीं उपदेशों को हमें अमल पे लाना है, उन्हीं उपदेशों पर हमें चलना है, उन्हीं उपदेशों पर हमें विचार करना है। लेकिन नहीं, लोगों को सस्ता सौदा चाहिए, तो लोगों ने सहारा लिया। किसका? किसी ने साईं का लिया और किसी ने किसी और का। तो उसमें साईं वाला प्रकरण जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मैं लिखा सारे साईं नहीं खाई कहो। अब कल से आना शुरू हो गया, परसों से आना शुरू हो गया कि नहीं, साई का जो विवरण है वो हिंदू परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, ये स्वरूपानंद के विरोध होने से ये सारा काम हुआ। अब यहाँ देखिएगा कि हम और आप परमात्मा को क्या कहते, त्वमेव माता अच्छा पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या देविनम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और वेद में ही आया है, तुम्हीना पिता वसो तुम माता शतकत बबू पिता धाते सुमनवी महे, जिसका सरलीकरण ये माता पिता बंधु सका। अच्छा बंधु, जब विचार करके देखना, जब परमात्मा को हमने माता पिता बंधु सका कह दिया और हमें कुछ परेशानी है, कुछ असुविधा है, कोई मुसीबत हमारे सामने आ खड़ी हुई है, तो हमें अपने पिता से कहना चाहिए या किसी और से? क्या ख्याल आप लोगों का? हाँ जी, जैसा उदाहरण के रूप में कि आप लोगों में से किसी का डायरेक्ट संपर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, तो जब आपको कोई काम करानी हो, कोई काम लेना हो उनसे, तो आप डायरेक्ट नरेंद्र भाई मोदी के पास जाएंगे या राजनाथ सिंह के पास जाएंगे या मोहन भागवत जी के पास जाएंगे कि हमें ये काम कराना है? किसके पास जाना उचित समझेंगे आप लोग? डायरेक्ट जब डायरेक्ट संपर्क है तो हमें बिचौलिया की क्या आवश्यकता है?
तो यहाँ पर डायरेक्ट संपर्क है आपका, आप उसको पिता कह रहे हैं हम, तो उसको जब पिता कह रहे हैं तो हमारे पास क्या परेशानी है, हम अपने पिता से ही कहेंगे किसी और के पास लेने जाएंगे। अच्छा और के पास क्यों गए? वो इसलिए गए ना हल्दी लगे ना फिटकरे, रंग चोखा चाहिए। ये कभी भी संभव नहीं है, बिना परिश्रम किए किसी को माल हाथ लगना कभी भी संभव नहीं है। अच्छा आप देखिए, ये दोनों बेचारे आप देख रहे हैं कि ये रोजी के लिए निकले हैं कुछ और के लिए, देखिए सामने ही प्रमाण है, ये अपने रोजी कमाने के लिए निकले हैं कुछ और के लिए। अगर ये रोजी कमाने के लिए ना निकलते होते, घर बैठे रहते, तो इनको रोजी मिल जाना संभव था? अगर घर बैठे बैठे इनको रोजी मिल जाए या दे दे कोई, तो बोल लिए वो न्यायकारी होगा या अन्यायकारी होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है। अरे ये तो बेचारे फिर भी ये कंधे पे सामान लिए घूम रहे। आप जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते समय भी ये थाली से अन्न के ग्रास को आपको अपने आप ही मुंह तक लाना पड़ता है, या पड़ता नहीं है? यानी थाली से अन्न के ग्रास को अपने मुंह तक अपने आप लाना पड़ता है, कोई और खिला देते हैं, जो आपा ही होगा खिला देगा। लेकिन पुरुषार्थ इसी का नाम पुरुषार्थ है, थाली से अन्न को उठाकर मुंह के पास तक लाना, इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ है। तो यहाँ पुरुषार्थ किए बिना कोई भी सामान का मिलना, रोजी का मिलना, या किसी प्रकार का कोई भी साधन का जुटाना मिलना संभव होगा? नहीं। तो जब पुरुषार्थ किए बिना सामान मिल जाए, तो फिर मानस को आलस बना दिया गया, आलसी बना दिया गया। और जो आलसी बन जाता है, तो ऋषि पातंजलि योग साधना में कहते हैं कि आलसी कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। अब बतलाइए, इस आलस को अगर आप लोग न छोड़ते होते तो पार्क तक आना संभव था? ये है कुल मिलाकर के वेद का उपदेश। आप लोगों का कीमती समय मैं लिया हूँ। ठीक, हमारे साथ जो आए हैं प्रदीप जी, ये नेवी में है और राष्ट्रपति भवन के पास ही इनका क्वार्टर है, ड्यूटी भी लगते रहते हैं। इनसे मैंने बोला कि बेटा सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक हमको निकलना होगा, तो बोले गुरुजी चिंता न करें आप, मैं हूँ, अपने मोटरसाइकिल में बिठा करके लिया। अगर हम वहाँ से समय से न चलते होते तो आप लोगों के बीच में आना संभव था? नहीं। प्रचार तो यहाँ हो गया, महेंद्र पाल जी आ रहे हैं। अगर मैं नहीं आता होता तो आपके साथ या आप लोगों के साथ मैं विश्वासघात करता नहीं करता? समय दे करके भी हम नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से पुरुषार्थ किए हैं, और इसी पुरुषार्थ को औरों तक पहुंचाने के जो प्रयास आप लोगों का है, इसलिए मैं बताया हूं कि इन प्रयासों के लिए आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। क्यों? कि जिस काम को लोग छोड़ चुके हैं, उसी काम को आप लोगों ने मानव समाज को याद दिलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वेद में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है, वेद में मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, और मनुष्य में भी कोई भेद ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला परमात्मा के पास नहीं है। ये सब दुनिया के दुकानदार लोगों ने ही ये भेद डाला है। बेटा एक पुस्तक निकाल लें जरा, बंद कर देता हूँ। हाँ, कुरान में यही जवाब में जो खोखलापन है, इसलिए इसका नाम दिया हूँ कि बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इसने बोला कि हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे चंद मिनटों के लिए। मैंने अल्लाह के रास्ते से अगर चंद मिनटों के लिए फरिश्ता भटक जाए, तो उतने देर के लिए शैतान अल्लाह पर हावी हो गया। तो ये सब प्रमाण मैं लिखा हूँ। वेद में परमात्मा के नाम कितने हैं, क्या क्या उसका अर्थ है, और अल्लाह का नाम कितना है कुरान में, उसका क्या क्या अर्थ है, दोनों में एक है या नहीं है, इस तरीके से मैं ये
जो मेरी तीनों पुस्तक है, अब तीसरी चौथी पुस्तक आ रही है, धर्म और मजहब में भेद क्या है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। धर्म क्या है और मजहब क्या है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ बनाया हुआ होता है। उसको मैं पूरा किया हूँ, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और जो विचारों के मेरे सीडी हैं, मैं कुछ पति लाया हूँ, जिन भाई को लेना होगा वो मेरे से मिल करके ले सकते हैं। और इनमें आप पाएंगे कि ये सीडी में सब में साउंड एंड पिक्चर है, वैदिक सिद्धांत क्या है और इस्लाम की मान्यता क्या, ईसाइयत की मान्यता क्या है, जो IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो जाकिर नाइक का संगठन है बनाया हुआ, उसके PSA जो मेरी वार्तालाप हुई, सवाल जवाब हुआ, जयेश पटेल उसका नाम है, वो पा जाएंगे आप। शास्त्रार्थ तारिक मुर्तजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ शास्त्रार्थ, ये भी पा जाएंगे। और भी मानव कहलाने के हकदार केवल आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज मानव बनाने की फैक्ट्री है, वो इसमें मैं दिया हूँ। बांग्लादेश राइफल्स फोर्स वालों ने हमारे 16 सैनिकों को किस तरीके से मारा, वो भी पा जाएंगे। नारी की मर्यादा हमारी वैदिक संस्कृति में क्या है और इस्लाम में क्या है, वो भी पा जाएंगे। इस तरीके से मैंने ये कुछ भाग आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिनको लेना होगा वो मेरे से मिलकर के ले लेंगे। तीन पुस्तक का मूल्य है 230 रुपया और एक CD का मूल्य है 50 रुपया। तो जो भाई लेना चाहते हैं वो मेरे से मिलकर के लें। और सच्चाई जो उजागर ऋषि दयानंद ने किया है, उसका कोई मुकाबला दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और वेद का ही ये सारा प्रमाण हवाला है, वेद में भी आया है, नाना पंथ विदते आय नाया, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है जो मनुष्य मात्र के लिए है। हम अगर उस सही और सच्चे रास्ते को अपनाते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के हकदार बनेंगे। हमें हिंदू न बनना होगा, न मुसलमान बनना होगा, न सिख ईसाई जैनी और बोधी के लिए कोई गुंजाइश है भेद में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।